हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक अणु में युवा सेवा एवं खेल विभाग हमीरपुर के सौजन्य से लंबी एवं मध्यम दूरी की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर राष्ट्रीय कोच ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को इनाम बांटे। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी रूप सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक अणु में युवा सेवा एवं खेल विभाग हमीरपुर के सौजन्य से लंबी एवं मध्यम दूरी की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर राष्ट्रीय कोच ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को इनाम बांटे। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी रूप सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। एक दिवसीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले विजेता खिलाड़ी शिवाली को 6,000 रुपए नगद इनाम दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर विजेता रहने वाले खिलाड़ी ईशा को 5,000 व तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 4,000 रुपए का इनाम दिया गया। जिला खेल अधिकारी रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर साल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं और इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके तहत ही ये प्रयास किया गया है। कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार निरंतर खेलों के विकास के लिए प्रयासरत है और हरेक जिला में इंडोर स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, और ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो सभी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे देश का, हमारे अपने जिले का नाम ऊंचा करें। और आजकल युवाओं को खेलों में ज़्यादा आवश्यकता है कि वो हरे खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि वो अधिक अपने जो दूसरे नशे से भी बचें और अपना कैरियर भी बनाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पुरस्कार जो मेडल लेते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3% उनके लिए खेल कोटे में आरक्षण दिया जाता है। और खेलों में चाहे वो जो खासकर मैं एथलेटिक्स के बारे में बोला, जैसे हमारे प्रदेश में जब भी जितने भी ये युवा हैं अगर ये इन ट्रैकों का सही इस्तेमाल करेंगे, दौड़ेंगे, तो आजकल जितनी भी, जैसे आप जानते होंगे कि चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे पुलिस की हो, फॉरेस्ट की हो, ITBP की हो, BSF की हो, हर एक प्रतियोगिता में कंपटीशन होता है खिलाड़ियों को। उनको अपने नौकरी के लिए, अगर उन्होंने अपनी नौकरी लेनी है, तो दौड़े और ये जितने एथलेटिक्स से संबंधित जो जितनी भी इवेंट्स होती है, जो इनमें जो फर्स्ट आता है उन्हीं का चयन नौकरी के लिए भी सभी पैरामिलिट्री और मिलिट्री होता। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोच भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से हिमाचल के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन किया है और प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले राज्य स्तरीय पर अपना प्रदर्शन करेंगे। ये जो दौड़ हो रही है आज, ये एक्चुअली टैलेंट हंट दौड़ है। ये कोई ऐसी दौड़ नहीं है जैसे कोई इसका सर्टिफिकेट आगे काम आएगा। इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद इनाम दिए जाते हैं और इस प्रतियोगिता से हिमाचल के कई मध्य और लंबी दूरी के खिलाड़ी फ्यूचर में निकले हैं, जो आगे चलकर बहुत सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमन सैनी है, जो इसी सिस्टम से निकला और एशियन क्रॉस कंट्री तक पहुँचा। एशियन एफ्रो गेम भी उसने खेला है और राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत से खिलाड़ी पहुँचे हैं। तो इस ये हर जिला स्तर पर होती है, यहाँ के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको लिए मोटिवेशन भी हो जाता है। कार्यक्रम में वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।